बारिश के मौसम में भोपाल की सुंदरता बहुत ही बढ़ जाती है, फिर चाहे वो केरवा डैम हो या वन विहार या कोई और अन्य जगह। बट आज का वीडियो एक बिल्कुल अलग जगह पर है जहाँ पे चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। यहाँ पे आके आप पूरे दिन यहाँ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ की कोई भी एंट्री फीस नहीं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं सुंदर जगह को एक्सप्लोर करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है चिनार उद्यान पार्क पर, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ पे आते से आपको फील होगा कि आप एक अलग ही जगह पे आ गए हैं, जो कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे जिसकी वेराइटीज बहुत अच्छी है। यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क्स भी दिखेंगे आपको जो कम्प्लीटली मेटल से बनाए हुए हैं, जिसमें अलग अलग मेटल्स के टूल यूज किए गए हैं, जो कि आप वीडियो के अंत तक देखेंगे। यहाँ पे आने के लिए आपको लिंक रोड पर आना पड़ेगा, जो कि न्यू मार्केट टू एमपी नगर कनेक्ट होती है। वहीं पर रास्ते में लेफ्ट साइड आपको चिनार पार्क दिखेगा। इसकी एंट्री कुछ इस तरह से है, पार्किंग बिल्कुल बाहर है जहाँ पे आप कार और बाइक इजीली पार्क कर सकते हैं। तो चलिए पार्क के अंदर चलते हैं। पार्क में आते से आपको यहाँ पे बहुत सारे रास्ते दिखेंगे। एक रास्ता लेफ्ट में जाता है, एक स्ट्रेट जाता है और राइट साइड दो से तीन रास्ते जाते हैं। तो पहले हम स्ट्रेट रास्ता कवर करेंगे, देन लेफ्ट रास्ता, उसके बाद हम राइट पोर्शन कवर करेंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, बिकॉज राइट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हमने लास्ट पोर्शन में कवर किया हुआ है। वहाँ पे आपको डिफरेंट आर्ट वर्क्स भी दिखेंगे और पार्क भी दिखेगा। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जिसमें आप आ सकते हैं। स्ट्रेट जाने पर हमें बहुत सारे पेड़ दिखे और रास्ते में हमें एक स्नेक दिखा जो कि मेटल से बनाया हुआ था, और एक एलिफेंट भी था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे डिफरेंट वैरायटीज के पेड़ हैं। रास्ते में आगे जाते जाते हमें एक बीच में पिकॉक का स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। थोड़ा और आगे जाने पे एक छोटा सा ब्रिज मिला हमें, जिसके नीचे से पानी जा रहा था और आगे एक छोटा सा डैम बनाया हुआ था। यहाँ के पूरे पाथवेज बहुत ज्यादा सुंदर थे, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की पत्तियां भी गिरी हुई थी। ये देखिए ये टूल से कितना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हमने मंदिर में जाने की कोशिश की बट मंदिर उस समय बंद था। तो स्ट्रेट पोर्शन कवर करने के बाद अब हम लेफ्ट पोर्शन कवर करेंगे। यहाँ पे बहुत ही ऊंचे ऊंचे और बहुत ही घने पेड़ थे और आसमान हार्डली दिख रहा था। ये आप इसका 360 व्यू देख सकते हैं। लेफ्ट पोर्शन कवर करने के बाद हम स्ट्रेट निकल गए राइट पोर्शन कवर करने के लिए। आप पार्क में अगर घूमेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि पार्क बहुत ही बड़ा है। हम राइट पोर्शन में बहुत आगे निकल गए थे। ये देखिए इसका एंड पार्ट से हमने ये सीन लिया हुआ है। यहाँ हर जगह बारिश हो रही थी और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर पौधे थे। यहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स और प्लांट्स थे। बीच में एक छोटा सा पार्क है जहाँ पूरा ग्रासलैंड है, तो वहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। बैठने के लिए जगह भी है और झूले भी हैं। ये देखिए यहाँ का पहला आर्टवर्क, जो कि कम्प्लीटली मेटल से बनाया हुआ है, जो कि एक बर्ड है। उसके बाद ये एक और आर्टवर्क। चूंकि एक राइनासोरस जैसा लग रहा है। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। क्या ये एक जिराफ है, जो कि कम्प्लीटली आउट ऑफ टूल्स बनाया गया है। इसकी पूंछ स्प्रिंग से बनाई गई है और बॉडी कुछ पौड़े के स्ट्रक्चर से बनाई गई है।
ये एक और स्ट्रक्चर जिसमें आदमी ने हाथ में मेटल की रस्सी ली हुई है। ये क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बच्चे इसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले। यहाँ बीचों बीच एक कार्यालय है जो कि इस पार्क को संभालता है। उसी के आसपास हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले जो कि लाइन वाइज अरेंज थे, जैसे कि एक बलकाट, एक पक्षी और ये बीच में एक छोटा सा और स्ट्रक्चर, पता नहीं कौन सा जानवर है। यहाँ के पाथवेज बहुत ज्यादा सुंदर है, बट अभी बारिश थी तो यह पूरी जगह गीली थी। स्ट्रेट जाने पर हमें बीचों बीच एक पावर हाउस मिला जो कि एक स्ट्रक्चर था जिसमें ये समझाया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, जिसमें कुछ पहाड़ थे, नदियां थी और पावर हाउस था। तो यहाँ सामने ग्रिड बनाई गई है और एक डैम बनाया गया है जिसमें समझाया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है और कैसे सप्लाई होती है। वहाँ से निकलने के बाद हमें एक रास्ते में बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर दिखा जिसमें आप देख सकते हैं कि घोड़े के ऊपर एक इंसान तीर चला है। पार्क के राइट साइड में बहुत सारे बैठने के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जहाँ पे आप इजीली बैठ के आराम से रोड का सीन ले सकते हैं, इवन आप पीछे का सीन भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हमेशा बैठते थे तो हमारी ये फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे आके हमारी बहुत मेमोरी रिवाइंड हुई। यहाँ से हम लोग आए थे अभी और सामने रहा लिंक रोड। ये जगह मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, आप अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। बच्चे तो यहाँ आके बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे ऐसा कंटेंट हमेशा लेके आते रहते हैं। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।